आज हमारे साथ मौजूद हैं नवनिर्वाचित भोपाल नगर पालिका निगम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की अपोजिशन नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी, जो कि वार्ड नंबर 24 से बिलोंग करती हैं। आज नई जिम्मेदारी उनको मिली है, आज हम जानते हैं उनसे कैसा लग रहा है। आज जी अच्छा लग रहा है। और आज आप 3 बार से पार्षद रही हैं और पहली बार आप नेता प्रतिपक्षी भूमिका में यहाँ बैठेंगे, तो आगे आपकी क्या प्लानिंग है नगर निगम में? वैसे ही आप बढ़िया मुद्दे और बढ़िया आप संघर्ष करती रहती हैं। देखिए, नगर निगम के अंदर जितने भी पार्षद चुनकर आते हैं वो इसलिए आते हैं कि जनता के हितों की रक्षा करना, उनका प्रतिनिधित्व करना, सरकार की योजनाओं का क्रियान्वयन कराना। जो टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं उसका यहाँ पर डिबेट होता है, उसके बाद ही टैक्स बढ़ते हैं। जैसे प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ा दिया, कचरा प्रबंधन बढ़ा दिया, आमोद प्रमोद की जगह के ऊपर टैक्सेस बढ़ा दिए, प्लस नल कनेक्शन के अंदर जो रसीद कटती थी उसका अमाउंट बढ़ा दिया। तो ये सारे बहुत सारे मुद्दे हैं जिसके ऊपर हम लोग ध्यान रखकर उसको कम कराएंगे, और जब तक वो परिषद के अंदर नहीं आके प्रस्ताव पारित नहीं होकर जाएगा तब तक हम लोग उसके ऊपर लड़ाई लड़ेंगे। दूसरा, जो नगर निगम के अंदर 3 साल के अंदर कोई कार्य नहीं हुआ और जो संपत्ति कर वसूल करा है, जितने टैक्सेस नगर निगम ने वसूल करे हैं उसका हिसाब उनको देना होगा कि उन्होंने वो पैसा कहाँ खर्च किया, क्योंकि हर वार्ड की जितनी भी फाइल्स थी जो कोरोना काल के अंदर वो सारी डंप हो गई हैं, तो वो पैसा हमारे वार्ड का गया कहाँ, तो उनको हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि नगर निगम का जो मत है उस मत के अंदर ही वो पैसा खर्च होता है। जैसे फॉर एग्जांपल शिक्षा उपकर का पैसा, तो शिक्षा उपकर का पैसा किसी भी मत में खर्च नहीं कर सकते, क्योंकि वो सरकारी स्कूलों के लिए होता है, सरकारी स्कूल के बच्चों जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए, उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखकर वो पैसा खर्च किया जाता है। तो वो कहाँ चला गया, मेरे वार्ड के अंदर तो कोई शिक्षा उपकर का पैसा स्कूल में यूज़ नहीं हुआ। तो ये बहुत सारे हमारे मुद्दे हैं जनहित के, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे और काम करेंगे। जैसा बताया कि टैक्स जाता कहाँ है, ले तो लिया जाता है जनता से, और जो मुद्दों पे बीजेपी चुनाव लड़ी थी टैक्स को लेके कि टैक्स हम आधा कर देंगे, माफ़ कर देंगे, जैसे मेरा मानना है कि वो टैक्स ऑलरेडी हाफ था, उस वही मुद्दे को लेके दोबारा चुनाव लड़ी थी अब। लेकिन देखना ये है कि अपोजिशन कितनी अपनी बात को रख सकता है और वहाँ विरोध अपना दर्ज करा सकता है टैक्स के बारे में कि टैक्स का सही यूज़ कहाँ होता है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल फेसबुक पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।